नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उपद्रव और हिंसा में विश्वास करती है, जिसका ताजा उदाहरण उड़ीसा के पूर्व सांसद प्रदीप मांझी का ये बयान है कि पेट्रोल और डीजल तैयार रखो, जब मैं कहूँ तो आग लगा दो। कि पूर्व कांग्रेस सांसद का ये बयान बहुत ही अधिक निराशाजनक है और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को व्यक्त करता है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कांग्रेस पार्टी हिंसा में विश्वास करती है। कल उड़ीसा की पूर्व कांग्रेस सांसद प्रदीप मांझी जी ने सरेआम रंगे हाथ पकड़े गए, पेट्रोल डीजल रेडी करके रखो, जब मैं कहूँ उसको जला देना। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पैर के नीचे से जमीन खिसकने खिसक जाने के कारण वो घबराए हुए हैं। देश में अराजकता, हिंसा, लूट तराज के माध्यम से भय आतंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। देश भर में उनके सामने कोई मुद्दा नहीं है। बेबुनियादी बातों को लेके इस प्रकार के हिंसा, प्रजातंत्र में विरोध प्रदर्शन करना, आपत्ति जताना, इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये तो गुंडाओं की काम है, ये तो अराजक तत्वों की काम है। कांग्रेस पार्टी एक अराजक तत्वों वाले। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।